हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे बनाते हैं इसके बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि कैसे हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट में सभी को एक साथ मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि हम टीम या ग्रुप बनाते हैं तो वहाँ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर ग्रुप के सभी लोगों को दिखाई देते हैं और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम भी हमें होती है। तो और हम सभी को अलग अलग मैसेज भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है। तो हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट के द्वारा हम सभी को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। जैसे वहाँ कोई किसी को देख भी नहीं सकता है और न उसे पता चलेगा कि हमें कोई ग्रुप में ऐड किया गया है और सभी को पर्सनली मैसेज जाते हैं। तो आइए हम बताते हैं कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे बनाते हैं और कैसे हम वहाँ पे मैसेज करते हैं। सबसे पहले तो हम व्हाट्सएप पे जाएंगे। व्हाट्सएप पे जाने के बाद यहाँ पे हमें जो 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं उस पे टच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा आया है न्यू ब्रॉडकास्ट, ठीक है। यहाँ पे हम टच करेंगे तो देखिए यहाँ पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में दिया हुआ कि हम यहाँ पे 256 लोगों को ही ऐड कर सकते हैं इस लिस्ट में। 256 से ज़्यादा यहाँ पे ऐड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमें जिसे जिसे भी पर्सनल मैसेज करना है उसे हम उस कॉन्टैक्ट नंबर को सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लिया। हम यहाँ पे कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद ये राइट चिन्ह में हम टच करेंगे। तो देखिए ये हमारा 9 लोगों का हमने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लिया। तो यहाँ पे 9 लोग हमने इस लिस्ट में जोड़ दिए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई किसी को देख नहीं पाता है। एक कॉन्टैक्ट दूसरे कॉन्टैक्ट को ना देख पाएगा और ना उसे पता चलेगा कि हमने उसे ग्रुप में ऐड किया हुआ है। अब हमको यहाँ पे मैसेज करेंगे किसी को भी तो वो उनको पर्सनली मैसेज जाएगी। इससे क्या होगी कि हमारी टाइम की भी बचत होगी और हमारा काम भी बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। तो जैसे हमने सभी को हाय लिख के भेजा तो देखिए सभी के पास पर्सनली मैसेज चले गए हैं। जैसे देखिए हमने इनको ऐड किया है तो देखिए इनके पास हाय पर्सनली मैसेज चले गया अब इनको। और देखिए ब्रॉडकास्ट लिस्ट में हम जिसको भी मैसेज करते हैं तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट का जो साइन है वो साइन हमें यहाँ हाई के साथ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये हमारा ब्रॉडकास्ट लिस्ट से मैसेज आया हुआ है। बट उन्हें पता नहीं है कि हमने उसे लिस्ट से मैसेज किया है एक ग्रुप बनाकर। अब यहाँ पे एक शर्त है कि अगर कोई हमारा नंबर सेव नहीं करता है और हम अगर ब्रॉडकास्ट लिस्ट से किसी को मैसेज करते हैं तो उससे मैसेज शो नहीं होंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि आप जिसको भी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में रखते हैं उनको बोलिए कि वो आपका नंबर सेव करे ताकि आप जो भी मैसेज करें ग्रुप से वो उन तक पहुंच पाए और वो देख पाए, ठीक है। तो इस तरह से हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाकर सभी को पर्सनली मैसेज करके हम अपने टाइम की भी बचत कर सकते हैं और ग्रुप में जो भी प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम से भी हमें छुटकारा मिल सकता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना था। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को।